नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद आसिफ दुला और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त चला है देश प्रदेश कुछ खास खबरों का। सुल्तानपुर बल्दी राय की ग्राम पंचायत दरियापुर के गांव पूरे नवल में एक दबंग ने सामुदायिक शौचालय पर ताला लगा दिया, जिससे गांव वालों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस ताले को कब खुलवाता है। सुल्तानपुर जिलाधिकारी और एसपी डॉक्टर विपिन कुमार मिश्र ने जिला कारागार सुल्तानपुर का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बंदी गृह, बैरक, शस्त्रागार, भोजनालय आदि का निरीक्षण करते हुए सही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अमेठी जिलाधिकारी अरुण कुमार की अध्यक्षता में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने कहा कि कोविड महामारी में जो बच्चे अनाथ हो गए हैं, प्रशासन उनकी पूरी मदद करेगा। ऐसे बच्चों को चाइल्डलाइन, महिला सहायता प्रकोष्ठ और विशेष किशोर पुलिस इकाई की मदद से पुनर्वास दिया जाएगा। बाराबंकी में डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह और एसपी यमुना प्रसाद ने जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कुछ भी संदिग्ध न मिलने पर दोनों ने संतोष की सांस ली। निरीक्षण के दौरान जिला जेल में अफरातफरी का माहौल रहा। जालौन के पत्रकारों ने उरई के कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों की मांग है कि किसी भी मामले में पुलिस अधिकारी पत्रकारों को निशाना बना रहे हैं, साथ ही खबर को रोकने का दबाव भी बनाया जाता है। इतना ही नहीं, खबर छपने से नाराज अधिकारी पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे भी दर्ज करवा रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। झांसी में कोरोना के मरीजों में कमी हो रही है। जिले से कोरोना को खत्म करने के लिए जिलाधिकारी आंध्रा बामसी के निर्देशन में निगरानी समिति का गठन किया गया। मऊरानीपुर उप जिलाधिकारी अंकुश श्रीवास्तव ने बताया कि निगरानी समिति में स्वास्थ्य विभाग की टीम के साथ साथ लेखपाल और गांव के सचिव की भी ड्यूटी लगाई गई है। झांसी में चेयरमैन चंद्रपाल सिंह यादव के बेटे ने अपनी संस्था सवेरा ट्रस्ट के माध्यम से मेडिकल कॉलेज को 200 जंबो ऑक्सीजन सिलेंडर भेंट किए हैं। आपको बता दें कि क्रमको ने बहुत ही तीव्र गति से शाहजहांपुर में प्लांट स्थापित करवाया है, ताकि मरीजों को दिक्कत न हो। वर्जी में मंत्री नीलकंठ तिवारी ने ठेला पट्टी दुकानदारों के लिए कैंप लगाकर सभी को दवाएं बांटी। ठेला पट्टी के अध्यक्ष अभिषेक निगम ने बताया कि जिस तरह हमारे ठेला पट्टी व्यवसायियों ने घर घर जाकर सब्जी पहुंचाई, उससे सरकार काफी खुश है और सरकार अब उन्हें संक्रमण से बचाना चाहती है। वारसी में अपर पुलिस उपायुक्त यातायात विकास कुमार ने बताया कि अब विभाग बारकोड सिस्टम शुरू करने जा रहा है। बारकोडिंग और डाटाबेस तैयार करने से मालूम होगा कि किस दिन शहर में कितने भारी वाहन प्रवेश कर रहे हैं और इससे शहर में कितना दबाव रहेगा। साथ ही फर्जीवाड़ा कर रहे लोगों पर नकेल भी कसी जा सकेगी। अयोध्या में ओम शिवालय परिवार की तरफ से शुरू की गई निःशुल्क सेवा आज भी जारी है। शिवालय परिवार के मुख्य मान श्री गणेश राय जी ने बताया कि सिंधी समाज के सहयोग से यह सेवा निरंतर जारी रहेगी। सेवा कैंप के माध्यम से जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों और उनके तीमारदारों ने सिंधी समाज का आभार भी प्रकट किया है। आपको हमारी पेशकश कैसी लगी, इसके बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो उसको लाइक और फॉलो करें और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।